आपको पता है WWE ने कभी प्लान ही नहीं किया था रोमन रेंस को अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बनाने का, उसको माल को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। WWE जो ओरिजिनल प्लान थी उसके हिसाब से रोमन रेंस को 2022 के डे वन इवेंट में अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को डिफेंड करना था, लेकिन यहीं पे आ गए ट्विस्ट, क्योंकि 2022 के डे वन से पहले रोमन रेंस कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, इसकी वजह से रोमन रेंस डे वन के इवेंट में आए ही नहीं, इसकी वजह से WWE का पूरा प्लान खराब हो गया। WWE ने नया प्लान बनाया जिसमें ब्रॉक लेसनर 2022 के एलिमिनेशन चैंबर में WWE चैंपियन बने, रोमन रेंस को रेसलमेनिया 38 में टाइटल यूनिफिकेशन के लिए चैलेंज किया। मेरे को लगता है WWE ने ये सोचा होगा एक चैंपियनशिप रख के क्या करेंगे, दोनों ही रोमन रेंस को दे देते हैं, नहीं ले आएंगे। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए।